हेलो स्टार पर स्वागत। मेरे चैनल पर इसका नाम पोकेमोन कट्टा। और दोस्तों आज आप देखने वाले हैं एक थ्योरी कि जो हमने एक जीएस बोला था वो लोगों ने बहुत सीन क्रिएट किए थे। ऐसे करे थे कि हम जीएस बोल के बारे में भूल जाए, पर इन लोगों ने इतना सीन क्रिएट कर दिया था जीएस बोल का, पर कोई उस बारे में भूल नहीं पाया। तो हम देखने वाले जीएस बोल के अंदर क्या है। दोस्तों अब पूरी कहानी बता दो पहले, जीएस बोल क्या है मतलब वो इंडिया को प्लेटो की लीप पूरी करके आता है, फिर वो प्रोफेसर के पास जाता है। तो प्रोफेसर बोलता है वो ऑरेंज आइलैंड पे जेस बॉल वो लेके आओ, तो एस लेके आता है जेस बॉल। तो जब ऑरेंज लीप पूरी करता है ऑरेंज लीप के बाद उधर भेजता है जोटो लीग में, तो जेस बॉल के अंदर था सेलेबी पोकेमोन। ये सेलेबी पोकेमोन आपको मालूम होगा वो टॉप पोकेमोन की लिस्ट में है, इसकी बेशक 600 की है। और दोस्तों आपको बता दूँ ये जो एकदम करने वाले थे लोग कि सेलेबी को एक दो भाग कैसे बता के उसको खेल पूरा करने वाले थे, पर सेलेबी को एकदम नई पिक्चर में दिखा गया था द फॉरेस्ट वो था इसलिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जीएस बॉल के बारे में फैक्ट कि जीएस बॉल और लुगिया के पंख से बना है, इसलिए जीएस बॉल पे टाइम का असर नहीं होता है। और लुगिया पे टाइम का असर नहीं होता है इसलिए जीएस बॉल पे असर होता है। और ये पोकेबॉल सिर्फ एक ही गेम में दिखाया गया है, पोकेमॉन क्रिस्टल और कोई भी इवेंट में नहीं है। ये तो दोस्तों फैक्ट। तो दोस्तों हर कुछ बाकी दोस्तों वो प्रोफेसर बीच पर जाते हैं, तो वो प्रोफेसर बीच भी बताए कुछ करे, पर ये लोग क्या थे हम ये इसके बारे में भूल जाए इसलिए कि हम इसको मालूम ना रहे इसलिए। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि जीएस बॉल के अंदर क्या था। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड्रॉयड।